मध्य प्रदेश, क्या आज भी हम अंधविश्वास के चक्रव्यूह में घिरे हुए हैं? पूर्व शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में अशिक्षा एवं अंधविश्वास के चलते मासूम बालक की जान पर बनाई। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के आदिवासी विकासखंड खालवा में अशिक्षा और अंधविश्वास के रीति रिवाजों की वजह से एक मासूम बच्चे की जान पर बनाई। गंभीर रोग से पीड़ित 5 वर्षीय बालक नानू को अपने ही घर में कैद करके रखा गया तथा लगातार 5 दिन तक ओझा बाबाओं से झाड़ फूंक कर इलाज कराया गया। बच्चे के सिर में छेद हो गया तथा उसके घाव में कीड़े तक पड़ गए, वहीं जख्म नासूर बन गया। माता पिता तथा गांव वाले ऐसे देवी का प्रकोप मान झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ गए। वहीं ग्राम की आशा कार्यकर्ता और सहयोगी ने परिवार को सिर्फ जख्म नासूर का उपचार कराने की समझाइश दी, लेकिन परिजन इसे देवी का प्रकोप समझ नहीं माने तो उन्हें पुलिस की धमकी देकर बालक को खालवा शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया। बच्चे की मां पुष्पाबाई ने बताया कि हमने बच्चे को घर पर रखा था। वहीं खालवा BMO डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया ने बताया कि हमारी टीम द्वारा काफ़ी मशक्कत की गई। बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद जिला चिकित्सालय खंडवा भेज दिया गया। खंडवा मध्य प्रदेश से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। इसके सर पर मेगट्स पड़ गए थे, मेगट्स मीन्स कुछ कीड़े होते हैं, वो एक इंजरी हुई थी सर पर, यहाँ पे चोट थी उसको, उसको मेगट्स पड़ गए थे। तो रूढ़िवादिता के तहत उन्होंने उस बालक को घर में कैद करके रख लिया था, ये बोलने के लिए शायद वो देवी प्रकोप है और देवी प्रकोप के अनुसार चलते उसे उसको खाना वगैरह उसको बच्चे को नहीं दिया था। जब वहाँ आशा कार्यकर्ताओं को मालूम पड़ा तो आशा कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल का उठाई दिखा के उसे लेके आए। फिर हमारे चिकित्सक डॉक्टर मुकुल पंचोल और हमारी टीम ने उसके पूरे मेगट्स निकाले। बच्ची की हालत बहुत गंभीर थी, संभवतः यदि बच्चों को नहीं लेके आते तो सेप्टिसीमिया या हाइपोग्लाइसीमिया के कारण बच्ची की मृत्यु होना निश्चित है। अभी क्या स्थिति है? बच्चा स्वस्थ है लेकिन फिर भी उसे सर्जिकल ओपिनियन के लिए हम जिला चिकित्सालय में पहुँचा रहे हैं। बच्चा सर आपका परिचय? डॉक्टर शैलेंद्र कटारिया, चिकित्सा अधिकारी खालवा।